आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। महाभारत के आदि पर्व में महर्षि व्यास और विचित्र वीर की पत्नियां अंबिका और अंबालिका की कहानी मिलती है। इस कहानी में महर्षि व्यास ने विचित्र वीर की पत्नियों के साथ नियोग विधि द्वारा समागम करके विचित्र वीर की पत्नियों के गर्भ से संतान उत्पन्न की। यह कहानी महाभारत की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है, क्योंकि यहीं से महाभारत के दूसरे मुख्य पात्र पांच पांडवों के पिता पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म होता है। चलिए जानते हैं इस कहानी को। यह अत्यंत ज्ञानवर्धक कहानी है और आप सभी जानते हैं कि महाभारत का वेद व्यास जी ने वाचन किया है और यह भगवान श्री गणेश द्वारा लिखित है। इस कहानी को अंत तक आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको अवश्य ही पुण्य फल की प्राप्ति तो होगी ही और साथ ही नियोग विधि क्या होती है इसका भी ज्ञान होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कहानी को बीच में ना छोड़ें। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। उस समय भीष्म की सम्मति पर सत्यवती ने महर्षि व्यास का स्मरण किया। माता ने मेरा स्मरण किया है यह जानकर परम बुद्धिमान व्यास जी वेद मंत्रों का पाठ करते हुए क्षण भर में वहां प्रकट हो गए। वे कब किधर से आ गए इसका पता किसी को न चला। सत्यवती ने अपने पुत्र का भली भांति सत्कार किया और दोनों भुजाओं से उसका आलिंगन किया। अपने पुत्र को दीर्घ काल के बाद देखकर सत्यवती की आंखों में स्नेह और आनंद के आंसू बहने लगे। तदंतर सत्यवती के प्रथम पुत्र महर्षि व्यास ने अपने कमंडलू के पवित्र जल से अपनी माता का अभिषेक किया और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, धर्म के तत्व को जानने वाली माता जी, आपकी जो हार्दिक इच्छा हो उस कार्य को करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तत्पश्चात पुरोहितों ने व्यास जी का विधिपूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया और महर्षि ने उसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। उस पूजा से व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए। जब वे आसन पर बैठ गए तब माता सत्यवती ने उनका कुशल क्षेम पूछा और उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा, विद्वान, माता और पिता दोनों से ही पुत्रों का जन्म होता है, अतः उन पर दोनों का समान अधिकार होता है। जैसे पिता पुत्रों का स्वामी है उसी प्रकार माता भी है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मर्षि, विधाता के विधान या मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य से जिस प्रकार तुम मेरे प्रथम पुत्र हो उसी प्रकार विचित्र वीर मेरा सबसे छोटा पुत्र था। जैसे एक पिता के नाते भीष्म उसके भाई हैं उसी प्रकार एक माता के नाते तुम भी विचित्र वीर के भाई ही हो। बेटा, मेरी तो ऐसी ही मान्यता है, फिर तुम जैसा समझो। ये सत्य पराकर्मी शांतनुनंदन भीष्म ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। इन्होंने संतान उत्पन्न तथा राज्य शासन न करने का संकल्प किया है, अतः तुम अपने भाई के पारलौकिक हित का विचार करके तथा कुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए भीष्म के अनुरोध और मेरी आज्ञा से सब प्राणियों पर दया करके उनकी रक्षा के उद्देश्य से और अपने अंतकरण की कोमल वृत्ति को देखते हुए मैं जो कुछ कहूँ उसे सुनकर उसका पालन करो। तुम्हारे छोटे भाई की पत्नियाँ देव कन्याओं के समान सुंदर तथा युवावस्था से संपन्न है। उनके मन में धर्मतः पुत्र पाने की कामना है। पुत्र, तुम इसके लिए समर्थ हो, अतः उन दोनों के गर्भ से ऐसे संतानों को जन्म दो जो इस कुल परंपरा की रक्षा तथा वृद्धि के लिए सर्वथा सुयोग्य हो। व्यास जी ने कहा, माता, आप पर और अपर दोनों प्रकार के धर्मों को जानती हैं। आपकी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती है, अतः मैं आपकी आज्ञा से धर्म को ही दृष्टि में रखकर काम के वश में न होकर आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करूँगा। यह सनातन मार्ग शास्त्रों में भी देखा गया है। मैं अपने भाई के लिए मित्र और वरुण के समान तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न करूंगा। सत्यवती ने कहा, बेटा, ये दोनों रानियां शीघ्र गर्भ धारण करें, ऐसा कुछ उपाय बताओ। राज्य में इस समय कोई राजा नहीं है। बिना राजा के राज्य की प्रजा अनाथ होकर नष्ट हो जाती है। यज्ञ दान आदि क्रियाएं भी लुप्त हो जाती हैं। उस राज्य में न तो वर्षा होती है न देवता वास करते हैं। तुम ही सोचो, बिना राजा का राज्य कैसे सुरक्षित और अनुशासित रह सकता है। इसलिए शीघ्र गर्भाधान करो। व्यास जी बोले, माँ, यदि मुझे समय का नियम न रखकर शीघ्र ही अपने भाई के लिए पुत्र प्रदान करना है तो उन देवियों के लिए यह उत्तम व्रत आवश्यक है कि वे मेरे असुंदर रूप को देखकर शांत रहे और डरे नहीं। यदि अंबिका मेरे गंध रूप वेश और शरीर को सहन कर ले तो वह आज ही एक उत्तम बालक को अपने गर्भ में पा सकती है। ऐसा कहने के बाद महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ व्यास जी सत्यवती से फिर, अच्छा तो अंबिका ऋतु स्नान के पश्चात
शुद्ध वस्त्र और श्रृंगार धारण करके सैया पर मिलन की प्रतीक्षा करें, ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर देवी सत्यवती ने एकांत में आई हुई अपनी पुत्र वधु अंबिका के पास जाकर उससे इस प्रकार कहा, कौशल्य, मैं तुमसे जो धर्म संगत बात कह रही हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। मेरे भाग्य का नाश हो जाने से अब भरत वंश का उच्छेद हो चला है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस कारण मुझे व्यथित और पितृकुल को पीड़ित देख भीष्म ने इस कुल की वृद्धि के लिए मुझे एक सम्मति दी है। बेटी, उस सम्मति की सार्थकता तुम्हारे अधीन है। तुम भीष्म के बताए अनुसार मुझे उस अवस्था में पहुंचाओ जिससे मैं अपने अभिष्ट की सिद्धि देख सकूं। इस नष्ट होते हुए भरत वंश का पुनः उद्धार करो। तुम देवराज इंद्र के समान एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दो, वही हमारे कुल के इस महान राज्य का भार वहन करेगा। अंबिका धर्म का आचरण करने वाली थी। सत्यवती ने धर्म को सामने रखकर उसे किसी प्रकार समझा बुझाकर बड़ी कठिनता से इस कार्य के लिए तैयार किया। उसके बाद ब्राह्मणों, देवर्षियों तथा अतिथियों को भोजन कराया। फिर सत्यवती ठीक समय पर अपनी ऋतु स्नाता पुत्रवधु को सैया पर बैठाते हुए धीरे से बोली, कौशल्य, तुम्हारे एक देवर हैं, वे ही आज तुम्हारे पास गर्भाधान के लिए आएंगे। तुम उनकी प्रतीक्षा करना, वे ठीक आधी रात के समय यहाँ आएंगे। सास की यह बात सुनकर अंबिका पवित्र शैया पर शयन करके उस समय मन ही मन भीष्म तथा अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों का चिंतन करने लगी। उस समय नियोग विधि के अनुसार सत्यवादी महर्षि व्यास ने अंबिका के महल में शरीर पर घी चुपड़े हुए संयम चित्त और कुरूप रूप में प्रवेश किया। उस समय बहुत से दीपक वहां प्रकाशित हो रहे थे। व्यास जी के शरीर का रंग काला था, उनकी जटाएं पिंगल वर्ण की और आंखें चमक रही थी तथा दाढ़ी मूछ भूरे रंग की दिखाई देती थी। उन्हें देखकर अंबिका ने भय के मारे अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। माता का प्रिय करने की इच्छा से व्यास जी ने उनके साथ समागम किया, परंतु काशीराज की कन्या भय के मारे उनकी ओर अच्छी तरह देख न सकी। जब व्यास जी उसके महल से बाहर निकले तब माता सत्यवती ने आकर उनसे पूछा, बेटा, क्या अंबिका के गर्भ से कोई गुणवान राजकुमार उत्पन्न होगा? माता का यह वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी बोले, माँ, वह 10,000 हाथियों के समान बलवान, विद्वान, राष्ट्रियों में श्रेष्ठ महापराक्रमी तथा अत्यंत बुद्धिमान होगा। उस महामना के 100 पुत्र होंगे, किंतु माता के दोष से वह बालक अंधा होगा। व्यास जी की यह बात सुनकर माता ने कहा, कुरुवंश का राजा अंधा हो यह तो उचित नहीं है, अतः कुरुवंश के लिए दूसरा राजा दो जो जाति भाइयों तथा समस्त कुल का संरक्षक और पिता का वंश बढ़ाने वाला हो। महायशस्वी व्यास जी तथास्तु कहकर वहां से निकल गए। प्रसव का समय आने पर अंबिका ने उसी अंधे पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात देवी सत्यवती ने अपनी दूसरी पुत्र वधु को समझा बुझाकर गर्भाधान के लिए तैयार किया और उसके लिए फिर महर्षि व्यास का आह्वान किया। फिर महर्षि ने उसी नियोग की संयमपूर्ण विधि से देवी अंबालिका के साथ समागम किया। महर्षि व्यास को देखकर वह भी कांतिहीन तथा पांडुवर्ण की हो गई। उसे भयभीत, विषादग्रस्त तथा पांडुवर्ण की देख सत्यवती नंदन व्यास ने ऐसा कहा, अंबालिके, तुम मुझे विरूप देखकर पांडुवर्ण की हो गई हो, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र पांडुरंग का ही होगा। इस बालक का नाम भी संसार में पांडु ही होगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ व्यास वहां से निकल गए। उस महल से निकलने पर सत्यवती ने अपने पुत्र से उसके विषय में पूछा। तब व्यास जी ने माता से भी उस बालक के पांडुवर्ण होने की बात बता दी। उसके बाद सत्यवती ने पुनः एक दूसरे पुत्र के लिए याचना की। महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर माता की आज्ञा स्वीकार कर ली। तदंतर देवी अंबालिका ने समय आने पर एक पांडुवर्ण के पुत्र को जन्म दिया। वह अपनी दिव्य कांति से उद्भाषित हो रहा था। यह वही बालक था जिसके पुत्र महान धनुर्धारी 5 पांडव हुए। इसके बाद ऋतुकाल आने पर सत्यवती ने अपनी बड़ी बहू अंबिका को पुनः व्यास जी से मिलने के लिए नियुक्त किया, परंतु देवकन्या के समान सुंदरी अंबिका ने महर्षि के उस कुरूप रूप और गंध का चिंतन करके भय के मारे देवी सत्यवती की आज्ञा नहीं मानी। काशीराज की पुत्री अंबिका ने अप्सरा के समान सुंदरी अपनी एक दासी को अपने ही आभूषणों से विभूषित करके महर्षि व्यास के पास भेज दिया। महर्षि के आने पर उस दासी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा मिलने पर वह शैया पर लेट गई और सत्कार पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। एकांत में मिलकर उस पर महर्षि व्यास बहुत संतुष्ट हुए। कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि जब उसके साथ शयन करके उठे तब इस प्रकार बोले, शुभे, अब तू दासी नहीं रहेगी,
तेरे उदर में एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक आया है। वह लोक में धर्मात्मा तथा समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा। वही बालक विदुर हुआ, जो श्री कृष्ण द्वैतपायन व्यास का पुत्र था। एक पिता होने के कारण वह राजा धृतराष्ट्र और महात्मा पांडु का भाई था। महात्मा मांडव्य के शाप से साक्षात धर्मराज ही विदुर रूप में उत्पन्न हुए थे। वे अर्थ तत्व के ज्ञाता और काम क्रोध से रहित थे। द्वैतपायन व्यास ने सत्यवती को सब बातें बता दी। उन्होंने यह रहस्य प्रकट कर दिया कि अंबिका ने अपनी दासी को भेजकर मेरे साथ छल किया है, अतः शुद्रा दासी के गर्भ से भी पुत्र उत्पन्न होगा। माता सत्यवती को गर्भ का समाचार बताकर व्यास जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। विचित्र वीर के क्षेत्र में व्यास जी से ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए, जो देव कुमारों के समान और कुरुवंश की वृद्धि करने वाले थे। धन्यवाद।